अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हिरा, और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक अफोर्डेबल और अच्छे सीरम की होगी, तो सीरम का रिव्यू हाजिर है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रोडक्ट का भी मैं रिव्यू करती हूँ वो मैं खुद परचेज़ करती हूँ, खुद ख़रीदती हूँ, और उसे कम से कम 4 हफ्ते यानी 1 महीना उसे यूज़ करती हूँ। यूज़ करने के बाद जो भी उसकी अच्छी बुरी बातें होती हैं, जो भी प्रिकॉशंस होती हैं, वो सब मैं नोट करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलिए अपने रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। आज जिस सीरम का मैं रिव्यू करूँगी उसका नाम है राइस स्किन ब्यूटी एसेंस, ठीक है? ये एक एसेंस है और इसका टेक्सचर सीरम की तरह होता है, जैसे एक सीरम होता है ना उसी तरह इसका टेक्सचर होता है। और इसकी पैकेजिंग जो है वो सॉलिड है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, और आप लोगों को पता है कि मैं पैकेजिंग पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? ये इस तरह से होता है और इसके अंदर ये छोटी सी बॉटल होती है, 15 ml की ये बॉटल है। ये आप देख सकते हैं इसकी बॉटल, इसमें बिल्कुल ये इत्तू सा रह गया है, ये मैंने बचा के रखा था क्योंकि मैं इसकी एक बॉटल पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बट उस वक्त मैं वीडियोस नहीं बनाती थी तो वो बॉटल मैंने फेंक दी। तो ये मैंने ऑर्डर करके मंगवाई थी, तो अब ये इतना सा रह गया। मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये वॉटरी सा इसका टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, पानी की तरह ये आपकी स्किन में फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आप इसको थोड़ी सी मसाज करते हैं तो ये बिल्कुल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ग्रीसी नहीं है, ऑयली नहीं है, ये आपकी स्किन में बिल्कुल वैनिश हो जाता है। अब स्किन टाइप्स की बात कर लेते हैं कि किन किन स्किन टाइप्स पे ये सूट करता है। तो जैसा कि आप लोग पता है कि मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन मैं कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ ऑयली स्किन पे बात नहीं करती हूँ, मैं ओवरऑल सारी स्किन टाइप्स पे बात करती हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोडक्ट का भी रिव्यू करती हूँ वो मैं अपनी स्किन के साथ साथ और दूसरी स्किन टाइप्स पे भी यूज़ करवाती हूँ, ताकि क्योंकि वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, अलग अलग स्किन टाइप के लोग वीडियो देख रहे होते हैं, तो वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। तो मैंने जिस भी स्किन टाइप पे इसको ट्राई करवाया है, किसी स्किन टाइप पे सबसे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है? कोई एक्ने नहीं निकली इसको यूज़ करने से, कोई पिंपल नहीं निकला इसको यूज़ करने से, कोई और रिएक्शन नहीं हुआ इसको यूज़ करने से। ऑयली कॉम्बिनेशन नॉर्मल ड्राई और एक्ने प्रॉन स्किन, किसी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सेंसिटिव स्किन पे भी कोई इशू नहीं हुआ इससे। बट सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मैं यही बोलूँगी हमेशा कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करना हो नया, तो सबसे पहले उसका पैच टेस्ट लें। अगर तो आपकी स्किन पे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता तो आप उसका पैच टेस्ट लें सबसे पहले, उसको ट्राई करें थोड़ी देर लगा के यहाँ पे या कान के पीछे। तो अगर तो आपको कोई रिएक्शन नहीं होता है, रेडनेस नहीं होती है, तो आप उसे कंटिन्यू करें, और अगर कोई रिएक्शन होता है तो फिर उसे छोड़ दें, कंटिन्यू मत करें। ये एसेंस, ये सीरम सब स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताऊँ आपको इसका काम क्या है। ये एक कोरियन ब्रांड है, तो इस पे मोस्टली चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कोरियन में ही लिखी हुई हैं, कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये क्लेम करते हैं कि ये स्किन को, ये सीरम आपकी स्किन को रिजनवेट करता है, यानी आपकी स्किन को जवान रखता है, मॉइस्ट एंड क्लियर रखता है, मॉइस्चराइजर फराहम करता है आपकी स्किन को और आपकी स्किन को क्लियर रखता है। इसके अलावा इसका कंप्लीट नेम जो है वो राइस टेंडर स्किन मॉइस्चराइजिंग एसेंस, यानी ये बेसिकली ये चावलों के पानी से बना है, ठीक है? चावलों से बना है, तो ये आपकी स्किन को जवान रखता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, आपकी स्किन को प्लम्प रखता है, आपकी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करता है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाकई ऐसा करता है या नहीं करता। तो जो एक्सपीरियंस मुझे मिला इसका 1 महीने में और जो दूसरे स्किन टाइप्स को मिला वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाकई में ये जो जो क्लेम करता है वो ये काम करता है, आपकी स्किन को यंग रखता है, आपके स्किन पे से, आपकी स्किन के आंखों के पास या लिप्स के पास आपकी अगर फाइन लाइंस आ गई हैं या थोड़े बहुत रिंकल्स हैं, लाइट से रिंकल्स की बात कर रही हूँ मैं, थोड़े बहुत रिंकल्स हैं तो वो दूर होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, डार्क हो गई है, तो ये उसे क्लियर करता है। इसके अलावा आपकी स्किन अगर ड्राई हो गई है बहुत ज़्यादा, तो ये उसको मॉइस्ट करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा आपने इसको कब यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है, तो आप इससे मॉर्निंग टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इससे इवनिंग टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपने एक बार यूज़ करना है, अगर आप मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हैं तो नाइट में ना करें, नाइट में कर रहे हैं तो मॉर्निंग में ना करें, ठीक है? मैं इसे नाइट टाइम यूज़ करती हूँ, इसे लगाती हूँ, इसे लगाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद इसे यूज़ करती हूँ, इसे लगाने के बाद 10 मिनट का गैप देके मैं अपनी नाइट क्रीम लगा लेती हूँ।
ठीक है। तो अगर आप इसे मॉर्निंग में यूज़ करें तो इसे अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन लाजमी लगाया करें। मॉर्निंग में आप कोई भी सीरम कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हो कुछ भी, सनस्क्रीन या सनब्लॉक आपने लाजम यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप शाम में लगा रहे हैं, आप घर पर ही हैं, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है, आपको कोई सीरम यूज सूट नहीं करता, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक पैच टेस्ट लेने के बाद। क्योंकि अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, इसके प्राइस क्या है। इसके प्राइस मुझे ये मिला है 400 का। इससे पहले कुछ टाइम पहले जब मैंने मंगवाया था तो मुझे ये 350 का मिला था, अब मुझे ये 400 का मिला है। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है दराज से, तो आपको ये लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने लोकल मार्केट में सुपर मार्केट्स में काफ़ी जगह इसको ढूंढा है, इसे सर्च किया है, पर ये नहीं मिला, ये ऑनलाइन ही मिलेगा। ये एक कोरियन ब्रांड है, तो आपको ये ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा, दराज से आपको इजीली मिल जाएगा 300 to 400 के दरमियान। रीज़नेबल प्राइस है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी मेरा काम है प्रोडक्ट का रिव्यू देना, उसका कंप्लीट, उसके बारे में सारी बातें अच्छी बुरी सारी चीज़ें स्किन टाइप के साथ आप लोगों को बताना। अब उस प्रोडक्ट को लेना ना लेना वो आप लोगों की मर्ज़ी है, वो कम्प्लीटली आप लोगों का डिसीजन है। मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में गाइड करना। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है या आप लोग चाहते हैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट रिव्यू इंशाल्लाह सनब्लॉक का है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल सकें।